नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं करनाल से केसीआरी। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज शुगर मिल का शुभारंभ करने के लिए यहां पहुंचे हैं। पहले उन्होंने उद्घाटन किया था, अब यहां पर शुभारंभ होगा और यहां पर जो हवन यज्ञ किया जा रहा, आप देख रहे हैं कि हवन यज्ञ किया जा रहा। उस हवन यज्ञ में पहले मुख्यमंत्री यहाँ पर आहुति डालेंगे। हवन यज्ञ में आहुति डालने के बाद उसके बाद जो है ना शुगर मिल में गन्ना डाला जाएगा। आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच चुके हैं और मुख्यमंत्री के हाथ पर पंडित जी द्वारा धागा बांधा जा रहा है और मंत्रों का उच्चारण लगातार शुरू हो चुका है। आप सोच रहे हैं कि मंत्रों का उच्चारण सुनते हुए आज करनाल को किसानों को 263 करोड़ रुपए की जो लागत से नई शुगर मिल का जो एक सौगात मिली है, तोहफा मिला है। शुगर मिल के नए शुगर मिल की किसान लगातार मांग करते आ रहे हैं और पिछले 25 सालों से जो शुगर मिल की मांग की जा रही थी है, पुराना शुगर मिल जो है काफी कई बार खराब होता था और परेशानी किसानों के लिए सामने पैदा करता था, इसलिए अब नया शुगर मिल लगाया गया है और इस नए शुगर मिल के सुबह उद्घाटन मुख्यमंत्री द्वारा कर दिया गया था। अब यहां पर शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री अपने हाथों से यहां पर आहुति डालते हुए और आहुति डालने के बाद अब यहां पर जो है शुभ कार्य जो है किया जाएगा। सभी की तरफ से यहाँ पर सांसद संजय भाटिया जी पहुँचे हैं, मंत्री बनवारी लाल जी पहुँचे हैं और यहाँ पर अब मुख्यमंत्री जी अपने हाथों से नारियल आहुति अग्नि आहुति देंगे। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हमने इस भूमि पूजन करके इस मिल का मुख्यमंत्री जी के कमलों के द्वारा जो है शिलान्यास करवाया था। आज हम हवन पूजा के द्वारा पूर्ण आहुति करके इस मिल को हम सब जनता के समर्पित मुख्यमंत्री जी करेंगे और प्रभु से इसकी सफलता की कामना करते हुए यज्ञ की पूर्ण आहुति करेंगे। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। आप चम्मच से 3 बार घी डाल दीजिए। ओम सर्वं वै पूर्णैकं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णैकं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णैकं स्वाहा। चम्मच रख के सारा घी डाल दीजिए। डोंगे से सारा घी डाल, जल्दी से डाल दीजिए। ओम वसु पवितमसी सदधारम वसु पवितमसी साक्षिधारम देवस्वा सविता पुनातु वसु पवित्रेन सदधारेण सुत्वा कामदुक्ष। 1 मिनट के लिए यह है पंडित जी द्वारा मुख्यमंत्री को अब यहां पर हवन यज्ञ के बाद आहुति डालने के बाद सम्मानित किया जा रहा और यहां पर एक शुभ कार्य मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है। उनको ओम का जो है यहां पर एक संकेत दिया जा रहा, ओम का जो कि श्रद्धानंद अनाथालय की ट्रस्ट की तरफ से दिया गया है और आज उन्होंने यहां पर एक अच्छे कार्य के लिए यहां पर पहुंचे थे। हवन यज्ञ में आहुति डाली अपने हाथों से, उनके साथ यहां पर मंत्री बनवारी लाल जी हैं, करनाल के सांसद संजय भाटिया हैं, वहीं गोरंडा के विधायक हरविंदर कल्याण है। इन सभी की मौजूदगी में यहाँ पर यह हवन यज्ञ किया गया और एक नए शुगर मिल का यहाँ से शुरुआत अब की जा रही है। हवन यज्ञ किया गया है, पूर्ण आहुति डाल दी गई है और वहीं पर अब इन सबको पंडित जी द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। चेयरमैन साहब, हाँ जी,
एक मिनट भाई, एक मिनट आइए ना बाद में दे देंगे। चलो, अभी मुख्यमंत्री जो है ना शुगर मिल में गन्ना डालने के लिए जा रहे हैं और अभी अपने कर कमलों से गन्ना डाला जाएगा। मुख्यमंत्री मोहनलाल जी अब हवन यज्ञ करने के बाद अब यहां पर शुगर मिल की शुरुआत करते गन्ना डालेंगे, बटन दबाएंगे, अभी एक शुगर मिल की जो है स्टार्ट होने की आवाज आएगी और उसके बाद जो है ना गन्ना डालकर मुख्यमंत्री अब इस 263 करोड़ रुपए की लागत से बने शुगर मिल की शुरुआत करने जा रहे हैं। इसकी जो चालू है अब आज से, अभी आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री और बनवारी लाल मंत्री द्वारा गन्ना डाल दिया गया है और जल्द ही अब यह शुगर मिल आज से शुरू कर दिया गया। इस सीजन की जो सत्र की पिराई सत्र जो है ना आज की शुरुआत कर दी गई है, मुख्यमंत्री द्वारा अपने कर कमलों से यह शुरुआत की गई है। सभी आप देख रहे हैं कि नए शुगर मिल का जो शुरुआत है मुख्यमंत्री द्वारा सहकारिता मंत्री बनवारी लाल द्वारा शुरुआत की गई है। अभी जो मुख्यमंत्री हैं जो प्रेस को ब्रीफ भी करेंगे और रिबन काटेंगे मुख्यमंत्री, और उसके बाद जो है यहाँ पर ब्रीफिंग होगी। फिलहाल जो नया शुगर मिल है उसको शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री द्वारा अब रिबन की कटाई होगी, रिबन काट के मुख्यमंत्री अब उसकी शुरुआत करेंगे। नीचे मोबाइल नीचे, अरे भाई आगे दूसरों के आगे अड़ा रहा। एक मिनट भाई, से कुछ भी नहीं आएगा ऐसे तो। जनाब मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंच चुके हैं और अपने हाथों से रिबन काट कर, अब आप देख रहे हैं कि रिबन काट कर जो कि एक शुगर मिल की शुरुआत कर दी गई है, रिबन काट दिया गया है। अब शुगर मिल के आप देख रहे हैं कि यहाँ पर नए शुगर मिल की शुरुआत की गई है। राम से भाई साहब, और अब मुख्यमंत्री जो शुगर मिल नया बनाया गया उसकी उसका जो है निरीक्षण कर रहे हैं, नक्शे का निरीक्षण कर रहे हैं और पूरा शुगर मिल का यहां पर जो नक्शा बनाया गया है, मैप बनाया गया, अधिकारियों द्वारा उसको समझाया जा रहा है मुख्यमंत्री को कि किस प्रकार से यह शुगर मिल कार्य करेगा और कितनी पूरे सीजन में कितने क्विंटल गन्ने की पिराई करेगा, ये पूरा जो है ना ब्यौरा अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को दिया जा रहा है। फिलहाल आज से नए शुगर मिल का जो प्राइस सत्र है वो मुख्यमंत्री द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है। उन्होंने पहले हवन यज्ञ में भाग लिया और उसके बाद जो है रिबन काटा और अब अंदर फैक्ट्री के अंदर आकर के पूर्ण रूप से इसकी जानकारी ले रहे हैं और मुख्यमंत्री द्वारा जानकारी लेने के बाद अब फैक्ट्री का निरीक्षण कर रहे हैं। फैक्ट्री का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री उसके बाद जो है ना नई ब्रीफिंग प्रेस को करेंगे। आप देख रहे हैं कि जो नई फैक्ट्री है उसके लिए मुख्यमंत्री अंदर गए हैं फैक्ट्री में और उसका निरीक्षण करने के बाद यहां पर दोबारा से बाहर आएंगे। मैं हूं करनाल से, KCRIA पंजाब केसरी TV।